दोस्तों सो आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी है, यही कि जामिया के फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं। और जामिया के फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे, सो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया। इसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि जामिया के फॉर्म को आप फिल कैसे करोगे, ठीक है। और ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया, जो भी उसका प्रोस्पेक्टर है वो भी आपको समझा दिया है। अब CUT से जामिया कनेक्टेड है कि नहीं है उसके बारे में भी आपको सारी डिटेल्स में प्रोवाइड कर दी है। तो इस वीडियो से जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। सिर्फ इस कंप्लीट एक ही वीडियो से आपको जामिया का फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी डिटेल मिल जाएगी, फ़ीस क्या है, प्रोस्पेक्ट क्या है उसका, वो डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ कौन सी वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ईजी तरीका है, आप कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी जामिया के फॉर्म को फिल करने के लिए, और स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें मैंने आपको उसमें बता दी है, ठीक है। सो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को और देखते हैं कि जामिया के फॉर्म को कैसे फिल करना है। फॉर्म तो आपको इस तरीके से डाल देना है यहाँ पे JMICOE.in करके। सो ये सबसे ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे आप जामिया का नाम भी डाल सकते हो, जामिया फॉर्म आउट करके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। और जो भी लोग अपने फ़ोन से फिल करेंगे ना फॉर्म को, तो इस तरीके से डेस्कटॉप साइट ज़रूर कर देना, उसे थोड़ा कंप्यूटर में जैसा दिखता है वैसा शो होने लगता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे साइट को। देखो ये जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। आपको किसी गलत वेबसाइट पर जाके फॉर्म नहीं फिल करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाएंगे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लिक हेयर टू अप्लाई UG PG बैच, ठीक है, और ATP PGT PGD, ठीक है, 2025 से लेके 2024 से 25 तक, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसको मैं एक बार और डेस्कटॉप साइट पे कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अब शो होगा यहाँ पे। और देखो बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जामिया के जो एग्ज़ाम है वो CUT से कनेक्टेड है कि नहीं है, CUT में होगा कि नहीं होगा। सो उसका आंसर भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा वीडियो के अंदर ही, ठीक है, कि CUT जो है जामिया से कनेक्टेड है कि नहीं है और इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि जामिया से कनेक्टेड है CUT होगा, पर वो BFA एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ठीक है। BFA में आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा और एक थ्योरी का एग्ज़ाम होगा बस, वो CUT से कनेक्टेड नहीं है BFA वाला आपका, ओके। सो ये आपका खुल गया यहाँ पे। अब इसमें आपको दे रखा है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर एकेडमिक सीज़न, ठीक है, 2024 से 2025। अब इसके अंदर आपको दे रखा क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है, ईमेल आईडी चाहिए आपको, ठीक है, मोबाइल नंबर चाहिए, स्कैन फ़ोटो चाहिए, ठीक है, स्कैन जेस्चर सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, कीप द फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए। अब क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अगर आप, क्योंकि आपको पेमेंट भी करनी है, और ATM कार्ड भी दे रखा है, डेबिट कार्ड भी दे रखा है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है एडमिशन नोटिस 2024-25, और इस पर अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसको आप ध्यान से सुन लें। फॉर्म तो भर दिया, अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है अच्छे से। सो उसके लिए अगर आप एक अच्छी कोचिंग ढूंढ रहे हो, अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हो, जहाँ आपके आपको प्रॉपर अच्छी टेक्निक्स और अच्छे मेथड्स आपको सिखाए जाएँ, ताकि आपका काम इम्प्रूव हो सके। सो आपका जो है 1 मार्च से जो है बैच स्टार्ट हो रहा है हमारी आर्ट इंसेन अकेडमी को, आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रैक्टिकल की पूरी तैयारी कराई जाएगी, कॉम्पोजिशन की, स्टिल लाइफ की, ठीक है, वाटर कलर की, फिगर में नोट में कैसे बनानी है, मेमोरी ड्राइंग कैसे करनी है, जामिया का अगर आपको एग्ज़ाम देना तो जामिया फिगर कैसे बनानी होती है, लाइफ स्टडी कैसे करनी है, कॉलेज ऑफ आर्ट का एग्ज़ाम देना तो स्टिल लाइफ कैसे करनी है, BHU का एग्ज़ाम देना है तो उसमें आपको कंपोजिशन कैसे करनी है। तो ये सारी जितने भी कॉलेजेस हैं ना, सबकी आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। और जो आपकी क्लासेस होंगी, हफ्ते में आपकी 5 दिन क्लास होंगी, यानी कि महीने की आपकी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस होंगी, इसमें आपको काफ़ी लॉन्ग सेशंस मिल रहे हैं। और आपकी जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, किसी भी इंस्टीट्यूट में इतनी कम फीस कहीं नहीं दे रखी है, ठीक है। और दे भी रहे हैं तो वो आपको 2 क्लास या 1 क्लास ऑफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी 5 क्लासेस हफ्ते में ऑफर की जा रही है, और आपको प्रॉपर अच्छे से मेथड सारे सिखाए जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर बेस टेक्निक्स, एडवांस लेवल की मेथड्स की जो टेक्निक्स होती है ना, वो सारी टेक्निक्स आपको सिखाई जा रही है। जैसा कि आप स्टूडेंट्स का काम भी आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स की किस लेवल की इंप्रूवमेंट है जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। फीस वगैरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, फीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखी गई है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, ठीक है, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करा दी जाएगी, ठीक है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तैयारी कैसे करनी है BFA की।
सो फीस के लिए और जितनी भी सारी जानकारी पाने के लिए आप एकेडमी के नंबर पे जो है आप मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। सो फिर मिलते हैं फिर क्लासेस के अंदर। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अब यहाँ से। अब इसके अंदर आपको सारा कुछ दिख जाएगा क्या क्या लिखा हुआ है, और इसमें आपका जो भी फॉर्म की फ़ीस वगैरह है उसके बारे में लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस 700 रुपये, 550 रुपये, मियाँ मिलिया इस्लामिया, पीजी, यूजी, पीजी डिप्लोमा, ठीक है, सर्टिफिकेट्स फॉर एडमिशन फॉर द एकेडमिक सीजन 2025 से 24 लेके 25 तक हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन वेबसाइट, ठीक है, यहाँ वेबसाइट भी दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल फ्रॉम 2020 से लेकर 2024। द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इज अवेलेबल ओनली ऑनलाइन www.ga.in। नो ऑफलाइन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। तो कोई भी ऑफलाइन फॉर्म आपको नहीं भेजना है ना, आप भर सकते हो, तो यहीं से ऑनलाइन से आपको भर के भेजना है। अब यहाँ लिखा होगा जामिया मिलिया इस्लामिया प्रॉस्पेक्ट्स 2024-2025। अब इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, कि किस तरीके से जो है आपको फॉर्म वगैरह ये सब फिल करना है। सो उसके ऊपर हम क्लिक हेयर कर देंगे तो इसके अंदर आपका प्रॉस्पेक्टर जो है खुल जाएगा। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा प्रॉस्पेक्टर खुल चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, और इसके अंदर सारी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। अब इसके अंदर हम सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसके अंदर ये देखना है कि आपका BFA वाला जो है ना वो कहाँ पर है। अब सबसे पहले यहाँ भी देख लेंगे तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट्स दिख जाएंगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट्स 20 फरवरी से जो है ये अवेलेबल हो गए थे, ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स, देखो जामिया की ये बात अच्छी है कि वो टाइम पे फॉर्म वगैरह सब निकाल देता है। कॉलेज ऑफ आर्ट हमेशा लेट कर देता है, बीच में कई बार कुछ ना कुछ होता रहता है, पर जामिया में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वो टाइम से अपने जो है क्लासेज एडमिशन सब चीज़ ले लेते हैं वो लोग। इस मामले में जो जामिया की तारीफ़ करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए फॉर्म दे रहे हैं, BHU के लिए फॉर्म दे रहे हैं, शांति निकेतन के लिए फॉर्म दे रहे हैं, वो सब जामिया के लिए भी फॉर्म ज़रूर देना, बिकॉज जामिया में CUT नहीं हो रहा है, और बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको CUT में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा क्या चीज़ है, तो उनके लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जामिया से दे सकते हैं, क्योंकि जामिया जो है CUT नहीं ले रहा है, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट्स में ले रहा है लेकिन BFA में नहीं ले रहा है, तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना इस चीज़ में। इसमें कोई CUT नहीं देना जामिया में आपको, ठीक है। तो अपना सिंपल जाके फॉर्म भर दो, ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो जामिया का भी एग्ज़ाम दो। और जामिया में एक खूबी और है कि आप अलग अलग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना अलग अलग स्ट्रीम्स में, जैसे कि इसमें आपका जो है आर्ट एजुकेशन, आर्ट हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हो, स्कल्पचर में भी भर सकते हो, तो यानी कि आप अलग अलग स्ट्रीम्स के एग्ज़ाम दे सकते हो। कॉलेज ऑफ आर्ट में क्या होता है, आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दे सकते हो, या तो अप्लाइड में चूज़ करो या पेंटिंग में चूज़ करो, एक ही में चूज़ कर सकते हो, पर जामिया के अंदर आप सब में चूज़ कर सकते हो, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम है ना चारों पाँचों सब में दे सकते हो, तो ये एक जामिया की बहुत अच्छी बात है। तो आपको जाना क्या बोलते हैं ना, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, ज़्यादा आपको अटैम्प्ट मिल जाते हैं एक बार में देने के लिए, तो आप अप्लाइड और पेंटिंग में तो ज़रूर से जो है एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल करना, भले डबल पैसे लग जाएँ, ठीक है, क्योंकि दो फॉर्म फिल कर रहे हो आपको दो डबल के पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन 100-500 हज़ार रुपये का मुँह मत देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके साल की बात हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स फॉर द कोर्सेज वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय JMI, NE, NATA, CUT, ठीक है। सो इसमें क्या दे रखा है, 20 फरवरी 2024 और 30 मार्च, तो 30 मार्च तक का आपके पास टाइम है फॉर्म को फिल करने के लिए। और ओपनिंग ऑफ फॉर्म फॉर एडिटिंग, तो 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक का टाइम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ इश्यूज ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट 15 अप्रैल का टाइम दे रखा है, और एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय GMI 25 अप्रैल का टाइम है। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रिजल्ट्स 31 अक्टूबर तक का उसमें टाइम है। तो सारी डेट्स इसके अंदर आपको दे रखी। तो अगर हम ऊपर जाएँ तो अकेडमिक प्रोग्राम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसी के अंदर अगर हम देखोगे यहाँ पे आपका ये 3.9 जो लिखा हुआ है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, इसके इस पे आपको जाना। अभी ये कहाँ पर है, ठीक है, ये कौन से पेज नंबर पे है, और 33 पेज नंबर, तो इसको आपको खोल लेना यहाँ पे, ठीक है। इसमें सारा कुछ कॉलेज के बारे में दिखा रखा है, काफ़ी बड़ा कॉलेज है जामिया। यहाँ भी और मोर इन्फॉर्मेशन दे रखी है,
ये भी आप अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो डिटेल में थोड़ा। ठीक है, तो हम पेज नंबर 33 पे आ गए हैं, सॉरी 34, 33 है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 32 पेज नंबर। ठीक है, सो इसी में लिखा हुआ है आपका एम एफ ए अप्लाइड आर्ट, बी एफ ए अप्लाइड आर्ट, ठीक है, एम एफ ए एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, ये स्ट्रीम्स दे रखी हैं देखो। ठीक है, आर्ट एजुकेशन है, ठीक है, अप्लाइड आर्ट है, आर्ट हिस्ट्री है, ठीक है, और एम एफ ए ग्राफिक आर्ट प्रिंट मेकिंग, उसके बाद एम एफ ए पेंटिंग, बी एफ ए पेंटिंग, बी एफ ए स्कल्पचर, तो ये स्ट्रीम्स दे रखी हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेमेस्टर वगैरह, और फीस भी दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, 10,000 रुपये फीस है, सेकेंड बी एफ ए के लिए यहाँ पे दे रखा है अप्लाइड आर्ट 12,000 रुपये फीस। ठीक है, एम एफ ए के लिए 10,000 रुपये फीस, बी एफ ए के लिए आपकी 12,000 फीस, और एम एफ ए के लिए 10,000 फीस। एम एफ ए के लिए आप देख सकते हो कि फ़ीस थोड़ी कम है, हालांकि अब थोड़ी सी फ़ीस बढ़ गई है, पहले 7,000 6,000 कुछ ऐसी फ़ीस होती थी, काफ़ी कम होती थी फ़ीस। स्टूडेंट पूछ रहे थे ना फ़ीस क्या होगी, फ़ीस क्या होगी सर इसकी, तो आप देख सकते हो जब प्रोस्पेक्टर आता है ना, तो उसमें सही से आपको पता लगता है कि क्या फ़ीस होगी। ठीक है, यहाँ पे सारी बहुत लंबा पीडीएफ है वैसे तो, ये काफ़ी लंबा है। कोर्स ऑफर्ड टू एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर करंट कंडक्टेड एंट्रेंस टेस्ट CUT। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ये आपके कोर्सेज हैं ना जो CUT से कनेक्टेड हैं, जो CUT ले रहा है, वो ये वाले हैं। ठीक है, BA हो गया, BA ऑनर्स हो गया, संस्कृत से BA हो रही है, ठीक है, MA, MA संस्कृत से, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, ये वाले 15 सब्जेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे, ये सब्जेक्ट हो रहे हैं जो CUT से के थ्रू हो रहे हैं। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, BFA वाला नहीं हो रहा, बहुत से स्टूडेंट परेशान हो रहे थे CUT से कनेक्ट हो गया जामिया, तो ये है देखो उसका आंसर, इतने सब्जेक्ट हैं और ये सब्जेक्ट आपके लेने देने के तो है नहीं, तो आपका तो BFA करना है आपको, तो ये वाले जो है इसके थ्रू ही आपको CUT देना पड़ेगा, बाकी BFA के लिए कोई CUT नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है फॉर्म को फिल करने के लिए, ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसके बाद फिर आप साइन इन पर क्लिक करोगे। सो इसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा फिल कर देना है, जैसे नाम हो गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया। सो हम इसमें अपना नाम फिल कर लेंगे यहाँ पे, सो मिडल डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल देते हैं, सॉरी 1950 डाल दिया मैंने इसमें। जेंडर आप डाल सकते हैं, अगर आप मेल हैं फीमेल हैं। फादर्स नेम आपको उसमें अपना डालना है, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड आपको जो भी क्रिएट करना है आप उसको जो है अच्छे से याद रखिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है आपको इसमें, चेक आपको फिल करना है, और फिर आपको करना है साइन अप। तो जब आप इसको फिल कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी, उसके बाद आपको कंफर्म भी करना है, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हो अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो। सो इसमें आपका लिखा आ रहा है यू आर रजिस्टर्ड फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल हैज़ बीन एक्सेप्टेड। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है ईमेल आईडी पे जाना है, सो यहाँ से आपको अपना जीमेल आईडी खोल लेना है, उसके बाद आपको जाना है क्लिक टू हेयर वेरीफाई, वहाँ पर जाकर आपको अपना जो है वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका पेज खुल जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन पे जाना है, अब यहाँ पे जाके आप जो है साइन इन कर सकते हैं, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सो अभी हमारा डैशबोर्ड जो है खुल गया है, सो उसके बाद आपको जाना है माय एप्लीकेशन पे, माई एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको जाना है कोर्स टाइप, सो यहाँ मैं बैचुलर क्लिक कर लेता हूँ, और कोर्स नेम, सो इसके अंदर आप जो भी कोर्स करना चाहते हो वो आपको जो है फिल इसमें चूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे BFA के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं BFA अप्लाइड आर्ट ले सकता हूँ, BFA पेंटिंग,
BFA स्क्रिप्चर्स और BFA आर्ट एजुकेशन। सो बेसिकली चार फील्ड्स हैं, आप चाहो तो इन चारों फील्ड्स में भी भर सकते हो। जामिया आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जो है चारों में पढ़ सकते हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पे अप्लाइड में भर रहा हूँ, तो मैं अप्लाइड आर्ट चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद प्रोसेस पे करता हूँ, ऐड द कोर्स, हम एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। सो आपके पास ये फॉर्म जो है आ जाएगा, अब आपको इसे फिल करना है। सो फॉर्म फिल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, यहाँ पे आपका नेम शो हो ही रहा है। उसके बाद आपको करना है सिलेक्ट कैटेगरी, SC OBC आप जो भी हैं उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी इंडियन आपको क्लिक करना है। ब्लड ग्रुप, रीजनल आपको लिखना है, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन, जैनिस, बुद्धिस्ट, हिंदू, तो मैं हिंदू लिख देता हूँ। अगर आप मुस्लिम है तो आप मुस्लिम डालिएगा। एनुअल इनकम फॉर फैमिली, तो फैमिली की कोई भी एनुअल इनकम है आप वो उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद है जम्मू कश्मीर से अगर आप हैं तो आप डालिए, नहीं तो आप नहीं डालिए। नो कर देता हूँ मैं इसको। अगर आप NSCC हैं, वॉलेंटियर हैं, तो आप यस डालेंगे। आधार नंबर इसमें आपको अपना डालना है। उसके बाद सेव और प्रोसेस करके आपको आगे बढ़ जाना है। सो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो डालनी है। सो फोटो का इसमें डायमेंशन दे रखा है, 100 KB के अंडर है बता रहा है ये। और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर डालना है। अब सिग्नेचर में भी आपको 100 KB के अंडर जो है फ़ोटो को पोस्ट करना है। चूज़ फाइल में जाके आप फ़ोटो को जो है इसमें अपलोड कर सकते हैं। सो मैं कोई भी फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, बाकी आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। जस्ट आपको बताने के लिए मैं कोई भी फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ उसमें। अब नीचे से वो प्रोसेस करने के बाद हमारा एक तीसरी कैटेगरी खुलेगी। सो जहाँ से भी आपने 12th की है, 12th या 10th करी है, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी है इसमें। पासिंग ईयर आपको डालना है। सिलेक्ट नेम ऑफ कॉलेज, यहाँ पे आपको अपने ग्रेड वगैरह डालने हैं। उसके बाद आपको करना है सेव और प्रोसेस। ओके करने के बाद ये हमारा दूसरा पेज खुलेगा। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो जो है आप सीधे सेव और प्रोसेस पे कर देंगे। अगर आप सेव और प्रोसेस पे कर देंगे तो यहाँ पे जो है आपको अपनी मार्कशीट डालनी पड़ेगी। सो अभी मैं इस पर रिजल्ट अवेटेड पे कर देता हूँ। सो मुझे यहाँ पे अपनी मार्कशीट जो है नहीं डालनी पड़ेगी। अब मैं इसको सेव प्रोसेस पे कर देता हूँ। नया पेज खुल गया हमारे सामने। तो यहाँ पे है रिजर्वेशन कैटेगरी। तो अगर आप जनरल में, आप जनरल भरेंगे, जामिया इंटरनल हैं तो जामिया सिलेक्टेड हैं तो आप जामिया भरेंगे। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, PWD है। सो मैं ये जनरल भर लेता हूँ, सेव टू कंटिन्यू करके। अब आपको जो है पूरा फॉर्म जो है यहाँ पे फिल होता हुआ, जो भी आपका फॉर्म होगा सारी इन्फॉर्मेशन होगी ये आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। सो आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, कन्फर्म अबोव पे करके कन्फर्म एंड सबमिट पे करना है क्लिक। फिर उसके बाद प्रोसेस करके अब यहाँ पे आपको फीस जो है अमाउंट शो हो रहा होगा आपका, 550 रुपये आपका अमाउंट है। उसके बाद आपको पेमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन। अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप कैसे भी जो है पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे प्रोसेस टू पे पे जाने के बाद यहाँ पे नाउ और सबमिशन एप्लीकेशन पे जब मैं क्लिक करूँगा, तो अभी हमारा पेमेंट का पेज जो है खुल गया है। अभी मैं यह फॉर्म की जो है पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपको पेमेंट
इसी तरीके से आपको करना है अपने कार्ड से या डेबिट कार्ड से, जिससे भी आप जो है पेमेंट करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो है आपको पेमेंट करनी है और किस तरीके से जो है आपको फॉर्म को फिल करना है। सो वीडियो थोड़ी लंबी बन गई थी, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। तो आप वीडियो को जो है अच्छे से पूरा देखना, कोई भी स्टेप अगर आपसे छूट गया हो तो आप उसको अच्छे से देखना, और ये वीडियो को शेयर जरूर करना उन सभी के साथ जिनको भी जो है फॉर्म वगैरह को फिल करने में जो है दिक्कत आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपसे आने वाली वीडियो जो है मिस ना हो बिल्कुल भी। सो आई होप कि अब आपको हेल्प मिल गई होगी कि जामिया के फॉर्म को कैसे फिल करना है और समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फ़ोन से भी जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हो और जो भी अपनी डिटेल्स है उसको भर सकते हो, और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो टाइम भी दे रखा है उसको करेक्ट करने के लिए। हालांकि देखो टाइम बहुत है अभी, ठीक है, तो जल्दबाजी मत करो फॉर्म को फिल करने के लिए। आराम से, तसल्ली से, सोच समझ के फॉर्म को फिल करो, ठीक है, कोई गलती ना हो जाए। ताकि बाकी मैंने ये वीडियो बना दी है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जैसा जैसा उन्होंने पूछा जा रहा है फॉर्म के अंदर, वैसे वैसे आपको फिल कर देना है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अगर आप फ़ोन से फिल नहीं करना चाहते हो या फिर आपके पास अभी पीसी वगैरह कोई दिक्कत है, पीसी नहीं है, पोस्टेज स्टूडेंट के पास नहीं होता है, तो आप साइबर कैफ़े वगैरह जो होती हैं शॉप्स वगैरह, उनके पास जाके भी आप फॉर्म को फिल करवा सकते हो। तो बहुत ईजी तरीका है फॉर्म को फिल करने का, ठीक है। डेस्कटॉप मोड में जाना है, बस उसको जो है ऑन कर देना है और फिर फॉर्म को फिल कर देना है। तो अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हो गई हो सो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, सारे ग्रुप्स में शेयर करो, स्टेटस पे लगा के शेयर करो, ताकि जिनको भी दिक्कत हो रही है फॉर्म को फिल करने में वो आसानी से फॉर्म को फिल कर सकें। और अगर आपको एंट्रेंस की क्लासेस लेनी है, ठीक है, सो एंट्रेंस की क्लासेस भी आपको करवा दी जा रही हैं। आप अकेडमी के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे, जिसमें कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाएगी, चाहे आप जामिया के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि जामिया में लाइव स्टडी करवाई जाती है, उसकी तैयारी आपको करवाई जाएगी, कॉम्पोजिशन की तैयारी आपको करवाई जाएगी, चाहे कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए कर रहे हो, बीएचयू के लिए कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता, सबकी तैयारी आपको करवा दी जाएगी अच्छे से। बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। मैं डालता रहता हूँ अकेडमी के पेज पर, आप देख सकते हो कि अकेडमी में जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनका काम कितना अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। सो आप इनरोल कर सकते हो क्लासेस में, ठीक है, और फीस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कर दी गई है सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए। सो ज्वाइन ज़रूर करें और अपनी इम्प्रूवमेंट को जो है बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाएं, और अपना एंट्रेंस की जो एग्ज़ाम है ना उसकी तैयारी को पक्का करें और अच्छे से, ठीक है।